हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अभी खड़ा हूँ डेजर्ट के अंदर। ये देखिए, ये शेम है और ये भाई लोग हैं जो ऊंट के कैमल की सवारी करवाते हैं। और यहाँ में देश विदेश से मान लो सैलानी घूमने के लिए आते हैं हर रोज़। यहाँ में मान लो ऐसे सैर करने के लिए आते हैं दोस्तों, और आपको थोड़ी बहुत बातचीत करवाते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों से। नमस्कार बाबा जी। नमस्कार। क्या नाम है बाबा जी आपका? अली भाई। अच्छा, तो बाबा जी कितने साल से मान लो यहाँ में हो आप डेजर्ट के अंदर? मान लो 30 साल हो गया हमारे को। 30 साल हो गया मजदूरी करने के लिए। अच्छा, तो रेगिस्तान है। अच्छा, इसमें घूमते हैं। अच्छा अच्छा, मजदूरी करते हैं। तो कितने ऊँट है बाबा जी आपके पास? हमारे दो दो ऊँट है। हो जाता है गुजारा वगैरह? अच्छा अच्छा अच्छा, टाइम पास होता है। अच्छा अच्छा, जैसे अभी तो सैलानी बहुत ही कम है आए हुए? अभी कम है, ऑफ सीजन है। अच्छा, तो कब आते हैं फुल? दिवाली से होली तक। दिवाली से होली तक है। अच्छा, फुल रहती होगी भीड़? हाँ फुल रहती है। अच्छा, बहुत बढ़िया। उस टाइम तो बढ़िया अपना और मान लो ऊँट का वगैरह हो जाता है ना। अच्छा, तो बाबा जी मान लो ये जो डेजर्ट दूर दूर तक दिखाई दे रहा है बाबा जी, तो इसमें मान लो कितना राउंड कटवाते होगे आप एक बार चढ़ने के बाद? सीजन में तो 2-3 राउंड कटाते हैं। अच्छा, ऑफ सीजन में एक एक राउंड है ना। अच्छा अच्छा, तो अभी मान लो इतनी धूप के अंदर मान लो ऊँट के मान लो पैर वगैरह नहीं जलते हैं क्या? ऐसी थोड़ा बहुत तकलीफ कैमल को होता है। अच्छा अच्छा, वो गर्मी थोड़ी कम होती है नहीं? अच्छा, जब हम बैठाते हैं। अच्छा अच्छा, तो बाबा जी इसका थोड़ा बहुत इतिहास बताइएगा, क्या कैसे ये मान लो आप जन्म से ही ये ऐसे ही देख रहे हैं या क्या सिस्टम? हाँ, हमारे जन्म से यहाँ पहले तो भेड़ बकरी का काम होता था। अच्छा अच्छा, उसके बाद में ये कैमल ले लिया। 30 साल हो गया इसमें ये इसका काम करते हैं कैमल का। अच्छा, तो इसको मान लो टूरिस्ट में बदला हुआ कितना दिन हो गए लगभग मेरे को ये जगह को? जगह तो कई सदी होगी। नहीं सदी तो होगी, लेकिन मान लो टूरिस्ट यहाँ में कब से आने से इसका हो गया है? 20 साल। 20 साल हो गया। हाँ। अच्छा, 20 साल के बाद 20 साल पहले जो यहाँ पिक्चर बन गया था न, अच्छा था वो पिक्चर देखने के लिए लोग वहाँ दिल्ली बम्बई अहमदाबाद फिर उसके बाद में अमेरिका धीरे धीरे सब जगह शुरू हो गया। अच्छा, रेगिस्तान बहुत अच्छा। तो अभी मान लो लगभग यहाँ के गांव के लोगों को मान लो थोड़ा बहुत रोजगार वगैरह मिल गया है ना? शुक्रिया शुक्रिया, बहुत अच्छा काम है। अच्छा अच्छा, गरीब गुरबो शाम का ले जाता है। अच्छा अच्छा, दाल रोटी का काम। तो बाबा जी सुबह शाम आते जाते रहते हो या यहीं रहते हो? आते जाते रहते, आते जाते सब लोग आते जाते। अच्छा, तो देखिए दोस्तों अभी तैयार हो गए घूमने के लिए और ऊंट को लेकर जा रहे हैं। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। तो देखिए दोस्तों ऐसे सैलानियों को बिठाया जाता है ऊँट पे आराम से। देखिए ये टेबल रख करके आराम से बिठाया जाता है वो, फिर रेसिंग होती है दोस्तों। ये देखिए, अच्छा अच्छा, ये देखिए बहुत ही सुंदर ऊँट सजाए धजाए करके रखे हैं दोस्तों। और ये है डेजर्ट का नज़ारा, देखिए दोस्तों बहुत ही खूबसूरत। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर जी आपका? लखन। का आपका? मठार। अच्छा, और सर जी आपका? बालक। अच्छा, मालका चोर। तो देखिए दोस्तों ये लखन भाई साहब है और ये मालका जी है। तो आप कभी भी आइएगा इनके मान लो यहाँ में ऊँट को लेकर के आप कैमल रेसिंग कर सकते हैं दोस्तों। और सर जी मान लो कितना राउंड गिराते होंगे, लगभग कितना दूर घुमाते होंगे? जीप का जैसे 25 किलोमीटर रहता है। अच्छा, कैमल का अलग अलग डेजर्ट 3-4 रहते हैं। अच्छा, ये तो ओनली 4 कैमल का डेजर्ट है। अच्छा, सम सेंड्यून से। अच्छा, तो ये जैसे 5-6 किलोमीटर में फैला हुआ। अच्छा, 5-6 किलोमीटर इसको घुमा के लेके आएंगे एक बार में ना? जैसे घूमना क्लाइंट चाहे 250 से करके 500-600 रुपये ज़्यादा जितना घूमो ना। अच्छा, कम से कम 250 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 500-600 रुपये। हेलो।
और जैसे कितने एक ऊँट है क्या? ऊँट तो जैसे सर्दी का मौसम होता है ना, तो 300 से 400 कैमल, 500 से 700 कैमल तक रहते हैं इधर। अब जैसे जून जुलाई का महीना ये है ना, तो इसमें टूरिस्ट बहुत कम आते हैं। तो जैसे मान लो आपका और इनका ऊँटों का गुजारा हो जाता है क्या यहाँ में टूरिस्ट वगैरह? सर्दी का मौसम हमारा अच्छा हो जाता है। अच्छा, बाकी तो 4-5 महीने ऐसे हमारे को पालना ही पड़ता है। अच्छा, मान लो अभी तो लगभग घर से ही खतरा इतना खिलाना पड़ता है। अच्छा, देखभाल करके खर्चा पानी इनको खिलाना पड़ता है। लेकिन आपको 12 महीना यहीं रहते हो या क्या सिस्टम है? 12 महीना हमारे तो आजू बाजू गाँव में, बस ऊँट इधर रहते हैं। अच्छा, शाम सुबह आते जाते हो ना? शाम आते जाते हैं। अच्छा, बढ़िया। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही सजा दजा के रखा है ऊँटों को। और तो देखिए दोस्तों, बहुत दूर दूर से सैलानी आए हुए हैं यहाँ में डेजर्ट का आनंद लेने के लिए। देखिए ये रेत का समुद्र है, समुद्र के अंदर उड़ जाते हुए। देखिए दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा ऊँट का, और ऊँट समुद्र के अंदर, ये रेत के का समुद्र है दोस्तों। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। ये राजस्थान की राजाशाही सवारी है दोस्तों, और इसको राजस्थान का जहाज कहा जाता है। ये दोनों हैं जो जहाँ से भी चढ़ जाते हैं दोस्तों, बहुत खूबसूरत नज़ारा। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही शानदार नज़ारा। और ये देखिए कैसे कैसे पहाड़ों की तरह बनी हुई है दीवारें, और बीच में खड्डा है दोस्तों। देखिए जैसे कोई बर्तन, तो देखिए दोस्तों आप देख रहे हैं जैसलमेर के सम का नज़ारा। ये खूबसूरत नज़ारा, देखते रहिएगा क्योंकि पब्लिक तो ज़्यादा है नहीं। लेकिन ये रेतीले टीलों के नज़ारे दिखते हैं। ये देखिए राजस्थान की मरुधर धरती का न्यारा न्यारा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ में ये ऊँट की सवारी चल रही है, और ऐसे घुमाया जाता है ऊँटों के ऊपर। ये देखिए दोस्तों, ये जो आपको लहरें बगैर दिखाई दे रही है, एकदम ऐसे जैसे समुद्र में पानी की तरह होती है लहरें, वैसे ये लहरें हैं दोस्तों। और ये है बड़े बड़े टीले, और टीलों के ऊपर ये देखिए सांप की तरह ये लहरें चली हुई है। ये आंधी ज़्यादा आती है तो दोस्तों यहाँ में ऐसी लहरें बन जाती है, ये ऑटोमेटिक बन जाती है। और ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं, ये सेम का नज़ारा है दोस्तों। ये देखिए ये एक रेत का समुंदर है। ये देखिए इसे बोलते हैं रेत का समुंदर। बहुत ही गहरे गहरे खड्डे हैं, और चारों ओर से ऐसे ये टीले बने हुए हैं।
ये देखिए अभी गर्मी का टाइम है तो पब्लिक तो है नहीं, क्योंकि टूरिस्ट आते हैं सर्दी में ज़्यादा और शाम के टाइम में आते हैं टूरिस्ट, तो अभी टूरिस्ट नहीं है। और मेरे को अभी यहाँ में लेट हो रहा जाना है, तो मैं थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर लेता हूँ, क्योंकि आपको जो ये टीले है वो दिखा देता हूँ। ये देखिए बहुत शानदार नज़ारा, ये देखिए वो देखिए वहाँ में ऊँट भाग रहे हैं, और ये देखिए यहाँ का साइड का दृश्य बहुत ही शानदार नज़ारा, ये देखिए बहुत खूबसूरत नज़ारा। ये जो दृश्य देख रहे हैं आप, ये दृश्य है बहुत ही शानदार। और देखिए एक छोटा सा जानवर बैठा है, वो देखिए उड़ गया। देखिए ऐसे धोरों के ऊपर किसी के पैर के भी निशान नहीं है, ये देखिए बहुत खूबसूरत नज़ारा। ये देखिए